अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिरजस किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मुरकुल। इसके लिए हमने लिया है 3 कप बेसन, 3 कप राइस फ्लावर, चावल का आटा। मसालों में हमने लिया है 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून जीरा पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, 3 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसी के साथ तिल लिया है हमने 2.5 टीस्पून। आइए बनाना शुरू करते हैं मुरकुल। अब हमने एक मिक्सिंग बाउल लिया है, इसमें हम डालेंगे बेसन। बेसन के साथ ही हम डालेंगे राइस फ्लावर और इसमें सारे मसाले डालेंगे। सारे मसाले और तिल ये डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले से अच्छे से मिक्स करके इसमें हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। एक साथ ना ऐड करें, डो स्टिफ बनाने का है, सॉफ्ट डो नहीं बनना चाहिए। इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब इसमें हम थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। एकदम स्टिफ डो बनाना है। पानी एकदम ग्रेजुअली ऐड करना है। तरह से पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। हमारा डो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। हमें ये डो बनाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 1.5 कप पानी लगा है। इस तरह से हमने एक स्टिफ डो रेडी कर लिया है। अब इस तरह से मुरकुल बनाने की गन में हम स्टार नोजल लगा लेंगे। लगाने के बाद ये गन को साइड से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब इसका एक पोर्शन लेकर हम इसे रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद इसको गन के अंदर स्टफ कर देंगे। टाइटली बंद कर दें। हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। अब इसे गन को प्रेस करते हुए हमें मुरकुल बनाना है। बहुत केयरफुल रहना है, तेल बहुत ही गर्म है। इस तरीके से
गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें करना है। हमारे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे बैटर मुफ्फल बना लेंगे। आप चाहें तो इसे दूसरे भी शेप दे सकते हैं जो आपके मुफ्फल के इसमें आते हैं, आप जो चाहे शेप दे सकते हैं। तरीके से गोल्डन होने तक फ्राई करके उसे निकाल देंगे, फिर सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। रेडी हो चुके हैं, इसे निकाल लेंगे। हमारे बिल्कुल रेडी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।